हेलो हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि बैंकों में फिर मॉलों में किस तरह से एसी की फिटिंग की जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने ग्लैंडर से एकदम सीधी काट दिया है। अब इसको हम मशीन से तोड़ लेंगे, जिसको जिर्री बोलते हैं। अब ग्लैंडर से भी किस तरह से काटते हैं, कितनी मेहनत होती है, आप एक बार देख लीजिए गाइज। ये देखिए भाई साहब ग्लैंडर लेके ऊपर चढ़ चुके हैं और पीछे को है लाइट। अब यहाँ से इनको काटना है। अभी ग्लैंडर का देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों जितना आपको लगता है आसान है इसका काम, देख लीजिए कितना रेत का काम होता है। तो दोस्तों आपने टूटती है, कितना मेहनत का काम है एसी का। अभी फिर से देखना लाइट का, एक तो यहाँ पे लाइट आ रही है फिर भी काम करना पड़ता है। तो जो भी लोग एसी वालों के पैसे रोकते हैं, कृपया करके पैसे ना रोके। देखिए कितना मेहनत से होता है काम, कितनी धूल धूल उठ रही है यहाँ पे। ये हमने एसी की जो ड्रेनेज है ये लगा दी है, जिर्री काट के अंदर दे दिया है। और यहाँ पे अपने एसी पॉइंट लगेंगे, एक बैंक है ये, बैंक की फिटिंग है ये। यहाँ पे क्रम से एसी लगेंगे। अभी हमने ड्रेन कंप्लीट कर लिया है और अभी हम लगाएंगे कॉपर पाइप। ये देखिए दोस्तों हीलिंग्स कंपनी का अच्छा वाला जो कॉपर है वो इसमें लग रहा है। और ये भाई साहब ने काट दिया है। और ये है जो हाफ का, जिसको 1/4 बोलते हैं, सॉरी 3/8 साइज बोलते हैं, 1/4 का साइड में रख दिया है। ये दोनों एक साथ में, और एक होता है वायर, ये तीनों एक साथ में चलते हैं। और ये अभी हम आपको पूरी फिटिंग बताएंगे इसे किस तरह से हमने एसी का फिटिंग किया है, जिसमें सिर्फ एसी को लगाना ही होता है। ये भाई साहब ने खोल दिया है पूरे को और अभी पकड़ लिया है। इधर से मैं पकड़ लेता हूँ, एक हाथ से कैमरा चलता रहेगा, एक हाथ से मैं पकड़ लिया हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत मेहनत होती है यार, ऐसा नहीं है कि मेहनत का काम नहीं है एसी में, एसी का बहुत मेहनत का काम है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे रोल को खोल दिया है, 50 फीट का रोल है लंबा पूरा। इसमें बहुत ही दूर से आती है पाइप, समथिंग 600-700 फीट के आसपास तो इसमें पाइप टोटल में लग जाएगी। और ये जो है कॉपर है पॉलीकैप का, ये वायर 4 कोर है, ये हमने एसी की फिटिंग में लगाना है। ये देखिए दोस्तों बीच में से निकाली है ताकि कोई उलझे नहीं। और ये इसको अपन लास्ट रोड पर ले जाएंगे, लास्ट रोड समझते हो ना, जहाँ से एसी का पॉइंट लगेगा वहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे अपन। और ये जो कॉपर के पाइप होते हैं इनके अंदर अपन को डालनी होती है स्लीव, स्लीव बोलते हैं इसको, बहुत से लोग इसको इंसुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन पूरे दोनों पाइप हैं, हाफ और क्वार्टर के दोनों पाइप हैं, दोनों के अंदर डाल लेनी है। और डालने के बाद में अपन इस पर मास्कन टेप लगा देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं हो और पानी लीकेज नहीं करे। कई बार क्या है कि इसमें ऊस बन जाती है ना, ऊस के द्वारा पानी लीकेज होता है, अगर स्लीव लग रही है तो वहाँ से पानी नहीं आएगा। हमने जो भी थी हमारे पास इसमें 50 रोल में, समथिंग 50 रोल में 8 स्लीव लगानी होती है, एक स्लीव 6 फिट की होती है, 48 और थोड़ी सी खींच के 50 हो जाती है। ये देखिए हमने बैंड बनाया है यहाँ पे दोस्तों, बैंड भी आप इस तरह से बनाइए ताकि मुड़े नहीं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। और बैंड बनाने के लिए अपने एक ये जो है बैंडर का यूज करते हैं, इसको बैंडर बोलते हैं। ये बैंडर है, यहाँ से अपन जितना घुमाना चाहे उतना घुमा सकते हैं पाइप को। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक तो करने का ही, आगे भी शेयर करिए। ये हमने ऊपर से नाप लिया है जितनी अपन को चाहिएगा, और यहाँ पे अपन एक बैंड बना देंगे जो कि अंदर की तरफ लगेगा ये। अब बैंड भी देखिए किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि आपके पास में ये मशीन है तो इससे क्या है कि बैंड ऐसे इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे कोई फिंच भी नहीं होगा। ये देखिए हम इसको घुमा रहे हैं, ये उधर की साइड आएगा, ये बिल्कुल जेड बन जाएगा यहाँ से। ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने इसको घुमा दिया है, बहुत ही सिंपल है, लाइक तो करे ही यार। जो भी फिटिंग होती है स्लीव पहनाने के बाद में पाइप के साथ में, ध्यान रहे एक अपन को वायर देना होता है, 4 कोर का है ये, 4 तार हैं इसके अंदर 2.5 mm का, और इनको सबको एक साथ में जोड़ लेना है। ये चलती है एसी की फिटिंग के एक साथ, जिस तरह सिर्फ आपको बैंड से एक को ही मोड़ना है बड़े वाली पाइप को 3/8 का। इसके बाद में छोटा वाला जो पाइप है ये तो ऑटोमेटिक आप हाथ से घुमा सकते हो इसको,
देखिए मैं नीचे से घुमा रहा हूँ, इसी तरह से आप भी हाथ से घुमा सकते हो, इसमें बैंड देने की जरूरत नहीं है आपको। ये बिल्कुल जेड बन चुका है, मेहनत बहुत है दोस्तों एसी के काम में, अभी बता रहा हूँ। ये देखिए हमने उसको अंदर दे के और एकदम फिट कर रहे हैं इसको, पाइप को। अभी इधर होके एक ही रास्ते होके 10 पाइप जाएंगे इधर। ये इसको सडल लगा के इस तरह से ठोक दिया है ताकि पाइप इधर उधर नहीं हले और एकदम अच्छा भी लगे लुक में। ये दीवार पे ओपन लेने का यही फ़ायदा है दोस्तों बैंकों में, कि ऊपर है जो सीलिंग होती है, ऊपर इसमें फोर सीलिंग हो जाती है। फोर सीलिंग में क्या कि ऊपर की तरफ रह जाते हैं ओपन, तो नीचे दिखते नहीं है, इसीलिए इनको कॉपर पाइपों को बिना जर्री कटे इस तरह से लिया जाता है। और यहाँ पे हम यहाँ तक आ गई है, यहाँ के बाद में अपन लगाएंगे इसमें झूला। ये देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं झूला, और ये झूला हमने किस तरह से बनाया ये भी हम आपको बताएंगे अभी। कॉपर पाइप हीलिंग्स कॉपर ट्यूब, ये दोस्तों यहाँ तक आ गया है पाइप, और इसको बाहर निकालने के लिए अपन को इसमें और पाइप जोड़ना पड़ेगा। अभी हम एक और रोल खोल लेते हैं आगे के लिए, ये आगे की तरफ। इसमें देखिए हम किस तरह से बैंड बनाएंगे, आप भी देख सकते हो ये बैंडर है, इसमें लिखा रहता है आप जितना डिग्री घुमाना चाहो, 90 डिग्री 45 डिग्री आप घुमा सकते हो इसको आराम से। ये देखिए भाई साहब ने पकड़ा इसको और यहाँ से बैंड कर देंगे इसको, और ये पकड़ के अपन को जितना अपन को उसको इसमें क्या 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री अपन इसको घुमा लेंगे। ये 90 के हो गया है फिक्स, और ना कोई मोच आई है पाइप में, बिल्कुल सीधा हुआ है। और इसको अपन अंदर की तरफ फिट करेंगे, जितनी साइज लेनी है हमने लिया है 24 इंची 2 फिट ऊपर की साइज। ये अपना ड्रेन पहले ही कंप्लीट कर दिया हमने, ये अंदर की तरफ दे दिए पूरे पाइप और अंदर से भी सेट कर दिए हैं। एक तो लगा दिया, ये दूसरा पाइप है, ये देखो एक तो हमने पहले फिट कर दिया था, और यहाँ पे अभी झूले का काम चल रहा है, झूले बनाएंगे ऊपर। झूला भी किस तरह से बनाया है ये वाला झूला आपको बताएंगे तक छेद करके। ये मैं चढ़ गया हूँ ड्रिल लेके, बहुत बहुत मुश्किल काम है ऊपर छेद में उल्टा, ऊपर छत में उल्टा छेद करना। इसमें हमने 14 mm का बिट लगाया है ताकि इसमें फास्टनर भी हम लगा सकें। 8 mm का फास्टनर आएगा 14 mm की बिट में, और ये लगा दिया, बहुत जोर आ रहा है। ये हैं दोनों झूले की, इनको आगे फास्टनर लगा होता है, फास्टनर को लगा के हथौड़ी से ठोक देंगे अंदर की तरफ, फिर इसको टाइट कर देंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ फुल किस तरह से हमने बनाया है झूला, और इसमें इतना वजन अपन दे सकते हैं आरामी से, कितना ही वजन हो आप लटक जाओ इसके खुलेगा नहीं। ये इसमें पूरी एसी को ऊपर हदर छत पे लटकाने की क्षमता होती है फास्टनरों में। एक स्पैनर है, इसे हमने टाइट कर दिया है, जितना अपन टाइट करेंगे फास्टनर आगे से उतना खुल जाएगा और नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये पाइप दे दिए हमने झूले पर, ये देखिए झूले पे अपने पाइप दे दिए हैं, वो फास्टनर अपने इस तरह से लगाए हैं ऊपर। यहाँ आप नज़दीक से देख लिए, देख लो हमने कैसे छेद किया है, कैसा काम किया है, आप भी देख सकते हो। बहुत धूल उड़ती है ऊपर से, छत में से जो धूल आती है अपने ऊपर आती है। और अभी दूसरा एक और झूले का तैयार हो रहा है, इसमें हम आपको नज़दीक से बताएँगे पूरा। इसमें देखिए कैसा फास्टनर होता है ये भी बताएँगे हम आपको। ये देखिए दोस्तों इसमें फास्टनर लगी हुई होती है आगे, इसमें 8 mm का है और 14 mm के बिट से अपन ने छेद किया है। ये लंबा पूरा होता है, ये साइज अपन अपने हिसाब से ले लेते हैं ग्लाइंडर से काट के। ये छेद करे थे उनमें अपन ने कस दिया है, जितना टाइट करेंगे फास्टनर आगे से उतना खुलेगा और उतना मज़बूत रहेगा। ये इस तरह से पूरे झूले बना दिए हमने, और एक ये जो झूले हैं एक के अंदर 10 पाइप आएंगे, एक साथ में 10 पाइप चलेंगे। ये इतना मज़बूत हो गया कि आप लटक जाओ इसके, बिल्कुल असर नहीं करेगा। अभी तो यहाँ पे भी पाइपिंग होनी है। ये देखिए झूला बिल्कुल तैयार हो चुका है अपना,
इसमें अपन कितना ही वजन दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब। और यह अगला पाइप की तैयारी कर रहे हैं हम। इसी तरह से जैसे आपने देखा किस तरह से कंपनियों में या फिर बड़े मॉलों में और बैंकों में कैसे फिटिंग होती है आपने देख लिया होगा दोस्तों। अभी तो इसमें जो भी काम है हम आपको कल बताएंगे, आज का दिन बहुत हो चुका है, आज हम इतना ही काम कर पाएंगे दोस्तों। अब फिटिंग भी आप देख सकते हो, इस तरह की आपको फिटिंग चाहिए होती है। और जो ऊपर जो है ये फोर सीलिंग के अंदर आ जाएगी, आप भी देख सकते हो इस तरह से पाइप जाएंगे दोस्तों पूरे आगे। ATM के सब सर्वर के सब दे दिए हैं और पाइप इस तरह से जाएंगे। अभी तो इनको ये वो बैंक है जहाँ पे हम अभी फिटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो शेयर करें। थैंक यू।